यार तो गाइज आज के हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाले है। हमारा कॉन्सेप्ट आज का बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट गाइज आप देख सकते हो। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अपनी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट करो तो गाइज आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और इस वीडियो में गाइज जितने स्टॉक यूज हुए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज अगर हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं बोलना। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फॉर इट। सो गाइस सबसे पहले अपने फ़ोटो को हम शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो हम अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर अपने फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो टूल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और ये तीन मिनट पे जाके पहले इसे मेन्यूज़ को ऐसे स्क्रॉल करके इन मेन्यूज़ को अपने फ़ोटो के हिसाब से इनक्रीज करेंगे। उसके बाद इसे थोड़ा बहुत देख लेंगे, नहीं ऐसा ही है हमारा, इसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद सेलेक्टिव टूल में जाके इस पर जाके इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे ये प्लस का जो आइकन है जहाँ करेंगे वहाँ पे इसे छोटा करके इसकी साइज़ को और इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ आपका थोड़ा लाइट डाउन है वहाँ वहाँ तो मैं देख लेता हूँ अच्छे से, आप लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो फुल वॉच कीजिए, पूरा समझ में आएगा। अभी लाइट रूम में इस फोटो को हम ले चलेंगे, उसके बाद बताएंगे वहाँ पे सबसे बेस्ट एडिटिंग हम कैसे करेंगे। फेस का पूरा रिटच एडिटिंग है तो ऐसे ऐसे हम बढ़ाएंगे अपने। जहाँ जहाँ ब्लैक है थोड़ा कलर डाउन है थोड़ा ब्लैक है वहाँ पर हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने फ़ोटो को ये डिटेल वाले ऑप्शन पे जाके थोड़ा सा डिटेल बढ़ा लेंगे। उसके बाद शेयर करेंगे लाइट रूम के अंदर अपने फ़ोटो को। तो गाइस हम अपने फ़ोटो को लेकर आ चुके हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो ये हमारा लाइट रूम है ऐप है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक प्रीसेट दूंगा, तो क्योंकि प्रीसेट हमारा यही है। तो सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऐसे। उसके बाद ये कॉपी सेटिंग पर क्लिक करेंगे ऐसे। कॉपी सेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसे ये दोनों ऑप्शन चालू करके ऐसे कॉपी कर लेंगे। तो फिर अपने ओरिजिनल पिक पे जाएंगे, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और ऐसे पेस्ट सेटिंग कर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए हमारा थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, लोड लेगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप लोग भी। ये हमारा ऑटोमेटिक रिटच एडिटिंग हो गया है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत खराबी है उसे हम सही कर लेते हैं। देखिए हमारा शर्ट का कलर डाउन है, जिसे हम मैनेज कर लेते हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये पूरा बना नहीं पाता है जैसे फ़ोटो के हिसाब से रहता है ना। तो सबसे पहले इसकी विग्निटी थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा है, और इसमें हाईलाइट कम कर देंगे, ये भी ज़्यादा है। शैडो को बना लेंगे और ब्लैक थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। उसके बाद कलर पे जाके फिर मिक्स टूल पे ये हमारा हो गया। तो ये देख लीजिए हमारा फेस बिल्कुल जैसा फोटो में दिखाया वैसा हो गया। देखिए अब इसे हम स्मूथ करेंगे। देखिए कैसे बोले चलते हैं अपने फोटो को स्नैपसीड के अंदर ऑटोडेस्क ऐप के अंदर। तो गाइस हम अपने फ़ोटो को लेकर आ चुके हैं ऑटोडेस्क स्केप के अंदर। तो ये देख लीजिए हमारा ब्रश यही रहेगा और सेटिंग देख लीजिए इसका, सेटिंग हमारा यही रहेगा। साइज अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं कर लेता हूँ। तो ये फ़ोटो के हिसाब से करते हैं, जहाँ जैसे ब्रश बड़ा लगेगा वहाँ बड़ा कर लेंगे, वहाँ छोटा कर लेंगे, ऐसे बड़ा छोटा करेंगे तो होगा। तो ऐसे बिल्कुल आराम से स्मूथ करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए स्मूथ कर रहा है। जो भाई लोग बोलते हैं हमारा वर्क नहीं कर रहा है, भाई वीडियो फुल पूरा देखो, ज़रूर वर्क करेगा। ये देखिए हमारा, और ये जहाँ किनारे किनारे है यहाँ थोड़ा आराम से करना लोग भाई लोग, वरना ब्लैक ब्लैक आ जाता है साइड साइड से। तो ये देखिए हमारा हो रहा है कितना अच्छा, बिल्कुल इजीली। भाई फुल वीडियो वॉच करेंगे ज़रूर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा कुछ भी। तो ये देखिए हमारा हो रहा है।
तो गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियो देख पाएँ आप सभी लोग। तो ये देखिए हम कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो स्किप कर दे रहा हूँ। तो गाइस हमारा ये स्मूथ हो चुका है, देख लीजिए आप लोग। ये हैंड पे है जोड़ा, थोड़ा जो ना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसे आप लोग अच्छे से करेंगे तो ये भी नहीं होगा। देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, इधर वाइट से ला के मिला देंगे तो कुछ नहीं होगा। ब्रश जहाँ ब्लैक आपको दिखे ब्रश छोटा करके मारिए, ज़रूर हो जाएगा। ये देखिए हमारा हो रहा है कितना अच्छे से। आप लोग देखिए अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई लोग। ये हमारा देख लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया। और इसमें जो लाइट अभी थोड़ा सा कम है तो फिर से हम ले चलेंगे लाइट रूम के एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ से थोड़ा सा और रिटच एडिटिंग करेंगे, उसके बाद देखिएगा फोटो कैसे बनेगा। तो मिलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस हम अपने फोटो को लेकर आ चुके हैं दोबारा से लाइट रूम के अंदर। तो लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से वाइट को थोड़ा सा डाउन करेंगे, ब्लैक को थोड़ा सा, वाइट पूरा डाउन कर लेंगे, ब्लैक को थोड़ा सा, बस शेडो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, हाईलाइट थोड़ा सा कम, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पर जाके मिक्स टूल पे जाके ऑरेंज टूल पे जाएंगे। सबसे पहले इसकी सैचुरेशन माइनस करेंगे और लुमिनस को बढ़ा लेंगे। उसके बाद ये ग्रीन वाले पे जाके इसकी सैचुरेशन बढ़ाएंगे और ह्यू को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से, जो कलर आपको अच्छा लगे। तो देखिए हमको ये ठीक लग रहा है, यही कर देते हैं। उसके बाद ये ब्लू वाले टोन को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। तो गाइस हमारा फोटो देख लीजिए, जैसा कि थंबनेल में हम आप लोगों को दिखाएं वैसा ही हो गया। तो गाइस अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि और ये अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।